सभ्यता के पहचान हमनी के स्वस्थ रहला से हमनी के अपन समाज के झलक दिखाई पड़ेगा। हमनी के कैसे शांति चाहिए बनी ऐसा उस सबके बारे में इन्हें हाँ। नमस्कार, हम सुजीता मिश्रा वीरगंज नर्सिंग कैंपस से बैचलर इन नर्सिंग सेकेंड ईयर में अध्ययनरत विद्यार्थी बानी। आज अपने सबके वातावरण के हमने सफाई तनिका कम था ना भैया के चलते चाहे अपन को मतलब ना करें हम उस सब के चलते कुछों के चलते वातावरण के कमी बुझाई रहे वही के चलते हमने आज एगो औपचारिक कार्यक्रम कैले बानी सर। और बाद में अब स्वास्थ्य के रोगी ना लगे के लागे है कि ना इस सब के बारे में कि सब बाबू सब जानकारी देवे जा रही इहे अंतर्गत समुदाय में देखा पड़ा समस्या सब हमनी के आयल रहनी तो हमनी के जे अपने सब के बारे में बुझली तक बाद अपने सब के जानकारी करेंगे। तक बाद में आज आज के हमनी के औपचारिक कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावे के खातिर हम प्रमुख व्यक्ति सबके अतिथि व्यक्ति सबके सब कोई के हृदय से धन्यवाद दे एगो आसन ग्रहण और बैच वितरण कार्यक्रम के हम आयोजन करे खातिर बैच वितरण करे खातिर हम मधुपुर और बिमला पोखरिल जी के निमंत्रण करतानी। वैसे ही ठीक बनू अभी हमने के अपने कार्यक्रम को उद्देश्य बता दे जाता है प्रैक्टिकम के उद्देश्य बता दे जाता है वो अंतर्गत में हमने के अपने के पांच हफ्ता जो आई नहीं घर परिवार में ओकर बारे में हम जानकारी दे चाह रही कि माई बच्चा के अवस्था आदरणीय माया माया लाल रोकाया सर के स्टेज में आके हार्दिक स्थान ग्रहण करे के हार्दिक अनुरोध करे के चाहता हूँ। निरोगी रहम निरोगी रहला में रहुआ के अच्छा अच्छा विचार आई अच्छा अच्छा ज्ञान गुण के बात आई तब न रहुआ राष्ट्र के बात कर सकम जब रहुआ अपने में फसल रहे देश विकास के बात होके सके हमने के समुदाय में आई रहनी ना आज हमने के एक महीना बहुत बहुत सहयोग करला के कारण हमने के सुरक्षा के प्रमुख सर विनय सिंह जी के भी हमने के स्टेज में आके आसन ग्रहण कर देवे खातिर हार्दिक अनुरोध करतानी। वैसे ही आसन ग्रहण कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावत हम वड़ा सदस्य महानगर पालिका वार्ड नंबर एक के वड़ा सदस्य शंभु दास जी के भी स्टेज में आके आसन ग्रहण कर देवे खातिर हार्दिक अनुरोध करतानी। ऐसे ही आसन ग्रहण के कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावत हम अपने नेपाल टेलीविजन के संवाददाता आदरणीय निहाल खान सर के स्टेज में आके आसन ग्रहण कर देवे खातिर हम हार्दिक अनुरोध कर रही स्टेज में आके। ऐसे ही हम रेडियो सानवी के संवाददाता हमनी के सहयोगी संचार कर्मी सर जन की हमनी के वहाँ के सहयोग बिना कुछ ना हो सके वे हमनी के असल वातावरण हमनी के सृजना करे नी उनका रह के हम सूर्य नारायण सर जी के स्टेज पर आकर आसन ग्रहण कर देवे के हार्दिक अनुरोध करे के चाहते हैं। समुदाय के प्रतिनिधि करत हमनी के स्टेज में आवे के जगदीश स्वर्णकार जी के हार्दिक अनुरोध करत हैं। वीरगंज नर्सिंग के बैचलर इन नर्सिंग हफ्ता से संतुलन हो रहा बा उ सर हमनी के रोज दिन सवेरे से लेके सांझ तक ले हमनी के जहाँ बोलैले बानी जेंगे बोलैले बानी जितना गोड़ा के कहले बानी हमनी के यहाँ ना इहे वार्ड में ना बाजार छप के यहाँ वड़ा नंबर एक संपूर्ण के कवर कर ले बानी उस सर के हम हार्दिक अनुरोध करते स्टेज पर आकर आसन ग्रहण करे खातिर हम अनुरोध करे के चाहते हैं। सर राम प्रसाद दास सर जी स्टेज पर आके आसन ग्रहण कर दी। ऐसे ही हमनी के स्वास्थ्य में निशुल्क रूप से एकदम अपन धन जी जान लगा के शाम सवेरे हमनी के सहयोग करे वाला गांव घर में एक रुपए के भी लोभ आशा ना करके हमनी के निरंतर कार्य में सफल रहे वाला हमनी के स्वयं सेविका दीदी ठीक संगीता शर्मा जी के स्टेज पर आके आसन ग्रहण करे खातिर हम हार्दिक अनुरोध करतानी। वैसे ही शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक के प्रमुख सर जोन की हमनी के एकदम सहयोग कर ले वानी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम संचालन करे में दवाई सब लाभे में हमनी के वहाँ के
मधुरेन्द्र सर जी के स्टेज पर आगे आसन ग्रहण कर देवे के हार्दिक अनुरोध करे के चाहतनी। ऐसे ही हमनी के निरंतर पीएनएस पढ़े में क्लास में कम्युनिटी में अधिक दूर आके कम्युनिटी हमनी के कैंपस से दूर पड़ेला आके दिन रात घाम पानी कुछ न देख के हमनी के मैम सब हमनी के सहयोग कर ले वानी उनकर आके हमनी के हार्दिक दिल से स्वागत करत स्टेज पर आके आसन ग्रहण कर देवे खातिर हम हार्दिक अनुरोध करतानी। एक से चालीस घर ले रहनी सन आ यहाँ भी पचास गो चालीस घर ले रहनी सन वही अंतर्गत हमनी के यहाँ के लोग वहाँ के लोग बहुते बहुते हमनी के सहयोग कर ले बानी वहाँ के हार्दिक दिल से हमनी के धन्यवाद करत यथास्थान में आसन ग्रहण करे खातिर हम सब कोई के हार्दिक अनुरोध करत आनी। ऐसे ही आसन ग्रहण कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावत हमनी के वीरगंज बीएनएस सेकंड ईयर में पढ़ा संपूर्ण विद्यार्थी जोन दिन रात अपन ई पांच हफ्ता कम्युनिटी में आके अपन संपूर्ण काम छोड़ के यहाँ पढ़ाई में ला के सारा अपन टास्क पूरा करके कोर्स का ऑब्जेक्टिव पूरा करे खातिर आज ई प्रोग्राम के आयोजन कर ले बानी। प्रोग्राम आयोजक वीरगंज नर्सिंग कैंपस बीएनएस दोसर बढ़ावत हमनी के वीरगंज बीएनएस सेकंड ईयर में पढ़ा संपूर्ण विद्यार्थी जोन दिन रात अपन ई पांच हफ्ता कम्युनिटी में आके अपन संपूर्ण काम छोड़ के यहाँ पढ़ाई में ला के सारा अपन टास्क पूरा करके कोर्स का ऑब्जेक्टिव पूरा करे खातिर आज ई प्रोग्राम के आयोजन कर ले बानी। प्रोग्राम आयोजक वीरगंज नर्सिंग कैंपस बीएनएस दोसर वर्ष के संपूर्ण विद्यार्थी के हम धन्यवाद कहत आसन ग्रहण के खातिर हार्दिक अनुरोध करे के चाहत बानी। अब कोनो भी कार्यक्रम के अगाड़ी बढ़ावे के खातिर हमनी के आज एगो उद्घाटन कार्यक्रम होखेला ना वही उद्घाटन कार्यक्रम के संचालन करे खातिर हम आज एगो राष्ट्रगान से आज ये कार्यक्रम को उद्घाटन करे के चाहे वही सब गोटा के अनुमति एक क्षण खड़ा होके मौन होके आंख बंद करके दिल पर हाथ धह के एक क्षण के खातिर इस प्रोग्राम में सब गोटा हमरा सहयोग करे कह के बहुत बहुत अपेक्षा रखले वानी। सब गोटा के एक क्षण हार्दिक अनुरोध बा सब कोई अपना स्थान में खड़ा हो जाए के अनुरोध बा। हाला नेपाली सर्वभौम पहिले कवि महाकाल हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि सामान्य लाग्छ तर वातावरण सरसफाई त हो भन्ने जस्तो लाग्छ होइन तर यो विषय एकदमै गहिराईमा गएर हेर्ने भने एकदमै ठुलो विषयवस्तु हो एकदमै संवेदनशील विषयवस्तु हो यसलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ र हाम्रो वातावरणलाई सरसफाई गर्ने कुरालाई पनि सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्न चाहन्छु। म भोलि कुरा भन्दैनौँ एउटा सानो अगाडि है बसिराखेको बेलामा एउटा कविता कोर्ने प्रयास गरेको थिएँ त्यो कविता कस्तो हुन्छ म यहाँहरूको माझमा सुनाउने अनुमति चाहन्छु त्यसको चाहिँ म गाउनेछु। कविताको शीर्षक छ कसले गर्छ र मैले नगरे। आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ आफ्नो घर आँगन सफा राख्नुपर्छ अरू आउला र गर्देला भनेर बस्नु हुँदैन अन्य उतार गोभारमा फस्नु हुँदैन किनभने कसले गर्छ र मैले नगरे किनभने कसले गर्छ र मैले नगरे। फोहोर गर्ने म अनि सफा गरिदिने अरू फोहोर गर्ने म अनि सफा गरिदिने अरू बिगार्ने म अनि सुधार्ने अरू यदि सफा गर्न सकिँदैन भने फोहोर नै नगर्दा हुँदैन बरु। त्यसैले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ किनकि कसले गर्छ र मैले नगरे। हामी यति धेरै जागरिला छौँ कि हो हामी यति धेरै जागरिला छौँ कि जैविक र अजैविक फोहोर समेत छुट्याउन सक्दैनौँ। हामी यति धेरै व्यस्त छौँ कि फोहोरको गाडीमा समेत फोहोर फाल्न भ्याउँदैनौँ अनि फालिदिन्छौँ जथाभावी छरपस्क हुने गरी। हामी केही गर्न नसके पनि गाली गर्न र दोष लगाउन सिपालु छौँ हो हामी केही गर्न नसके पनि गाली गर्न र दोष लगाउन सिपालु छौँ। गल्ती आफै गर्छौँ अनि दोष सरकारवालालाई
स्वच्छ र सुन्दर शहर भएको हामी हेर्न चाहन्छौ। स्वच्छ र सुन्दर शहर भएको हामी हेर्न चाहन्छौ अनि विगत शहरको पहिचान फेर्न चाहन्छौ। घर र वातावरण सफा राख्नका लागि पहिला विचार सफा हुन जरुरी छ। त्यसैले आज लेकिन यी संस्कृति परिवर्तन गरे कि पढ़ कहे से था हम गंदा करम एकदम सही करनी है। आदमी के मोटिवेट करे के आदमी को उत्प्रेरणा जगावे वाला भी आदमी चाहिए हो कि ना। वही हमने के तो समय समय में आके अपने सब के उत्प्रेरणा जगावे करें उत्प्रेरणा सब देवे करें ये सब के बारे में ये सब के कहे खातिर हम अपने के बीच में आई रहनी है। आप अपने के एक वातावरण और सफाई संबंधित ही आपकी हमने की जानकारी मिली तो बहुत जरूरी बात जाड़ा आ गई है कि ना। टायर बाले के हमने के हाथ से के निशान आग से हाथ से के निशान वैसे तो हमने के देह गर्म हो लेकिन हमने के वैसे कैंसर हो सका था विभिन्न किस्म की समस्या हो सका था। वही खातिर हम अपने के सब तरीके की आग्रह करके चाहता नहीं कि धुआं से बच विशेष करके प्लास्टिक अभी सरकार हमने पहले से माहौल रहा था बहुत के महसूस लेकिन अभी ओकरा सरकार घटा देगा वही के चलते हमने हीटर उटर ले आके वैसे अपन जाड़ा आयल हुआ है कि ना। सब कोई के तो अति घटे वही के चलते प्लास्टिक के हम अनुरोध करके चाहते हैं सब कोई से एक तरीका ध्यान करे के बाद सफाई र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम जुन आधारभूत र स्थानीय निकायको अधिकार अन्तर्गत पर्ने स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गतका हामीले अधिकार दिन सक्ने निर्देशन दिन सक्ने खालका अधिकारहरू हामीले अवश्य पनि पुरा गर्नेछौँ र अधिकार थियो भन्दैमा सबै कुरा ओडामा पनि ओडा सरकारप्रति भर पर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। स्वास्थ्य हो जबसम्म आफू स्वस्थ रहन्छ तब वातावरण लगायत समाजमा हामीले भलाइका काम गर्न सक्छौँ र आफू नै स्वास्थ्य रहन सकिएनौँ भने यसले कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। तसर्थ तपाईँहरूले हुन त भोजपुरीमा बोल्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला म नेपाली मात्र बोल्छु किनभने मलाई भोजपुरी बोल्न आउँदैन त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। घर साफ सुथरा के फोहर मैला मत करी इन मत सोची कि दोसर कोई आके घर के अगड़ी बाहर भी साफ कर दी और ले जाए वो अपने से अपन साफ सुथरा करी स्वास्थ्य बच्चा सब के अपन स्वास्थ्य बना के रखी इतना ही हम बात हुआ सभी से कह रहे धन्यवाद अपनी के समुदाय के प्रतिनिधि करके आइलवनी सर के वहाँ पे दू शब्द अपन राखके गई वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अही अंतर्गत हम अपने कहे के चाहता रही अब जाड़ा आ गई बा ना हमने के कथि सोचे रही कि प्लास्टिक जला दे रही हाँ कि ना प्लास्टिक अति चूल्हा में आग तापे खातिर चाहे आग पजारे खातिर हमने के यदि वातावरण चाहिँ फोहोर भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली हेल्थलाई असर पुर्याउँछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो मध्ये पनि आज चाहिँ वातावरण सफाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हेल्थको लागि भनेर चाहिँ आज कर्ता सकिन पाँच हप्ता आएपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्छ भनेर एउटा टिप्पणी सुनेका थियौँ। त्यो टिप्पणीलाई लिँदै हाम्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि हामी फर्स्ट आएका थियौँ यस वडा कार्यालयमा त्यहाँ जाँदा हामीलाई अलिकति इम्पोर्टेन्ट दिए जस्तो लाग्यो त्यो लिएर चाहिँ हामीलाई अलिकति हौसला बढ्यो र हामी यहाँ आइसकेपछि धन्यवाद साथी मिलाजन हामी बिहान सेकेन्ड इयरको विद्यार्थी बानी अपने लोग के बहुत बहुत दस्त में बहुत बहुत धन्यवाद बा अपन अमूल्य समय निकाल के सर मैडम सब कोई हमने के एगो छोट प्रोग्राम में आके हमने के अति हौसला देले बानी बढ़ावा तानी हमने के हौसला बढ़ावा तानी वही खातिर सब कोई के बहुत बहुत धन्यवाद बा। यही अंतर्गत हम अपने से कुछ साफ सफाई हमने के आज के कार्यक्रम के बारे में कथी कथी बाटे तो ये छोट एगो मंतव्य कार्यक्रम बाटे ये खत्म कैला के बाद में जो हमने के मतलब गाँव में बहुत लोग के समझ आ गए आई महिला लोग जो भी कहता नहीं जो हम सुनता नहीं अपने तो खाली सुनी मत इस चीज़ पर ध्यान दी जो हाँ काका कहता लोग इस चीज़ पर ऐसी करिए फोर पर जितना सब डोल में रख दिए हमने के गाड़ी लेके आम सौ ना उठा लेंगे सौ आई बहनी लोग के बात तो ये हमेशा आई लोग हमेशा भी हमने के वादा से लोग की हेल्प करें ये कहते हुए चीज़ खत्म करें अपने के निरोगी रहला मेरो के अच्छा अच्छा विचार आई अच्छा अच्छा ज्ञान गुण के बात बिरामी भाई अस्पताल धाउँदा भित्री मनहरु हुन्छ सानो सानो बालकले खोप लाउनै पर्छ सानो सानो बालकले खोप लाउनै पर्छ फोहर मैलाबाट नै धेरै रोग सर्छ
हरेक दिन नुहा आउँछौ पूजा आजा गर्छौ हरेक दिन नुहा आउँछौ पूजा आजा गरी तन सफा मन सफा तर फोहोर ओरिपरि जथाभावी पान खाई थुप्न हुन्न हेर जथाभावी पान खाई थुप्न हुन्न हेर दुर्गन्ध र प्रदूषणलाई जरैदेखि मेट भल नाली जता ततै फोहोर मैला फाल्छौ भल नाली जता ततै फोहोर मैला फाल्छौ घरै सफा गरी हामी समाज गन्दा गर्छौ फोहोर बासी खानामाथि झिङ्गा भन्केको त हेर फोहोर बासी खानामाथि झिङ्गा भन्केको त हेर सरसफाईमा ध्यान देऊ नत्र अकालमा जीवन जाला खेर स्वस्थ बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य जाँच गरी स्वस्थ बच्चा जन्माउन गर्व जाँच गरी स्वास्थ्य चौकी जाने गरौ चार पट गनी आइरन चक्की क्याल्सियममा सुई पनि लगाई आइरन चक्की क्याल्सियममा सुई पनि लगाई आराम अनि व्यायाम सँग ताजा खाना खुवाई सुत्केरी आमाहरू घाममा बस्नै पर्छ सुत्केरी आमाहरू घाममा बस्नै पर्छ भिटामिन डी मिल्छ हजुर हड्डी बलियो हुन्छ दुई बच्चाको बिचमा दुई वर्षको अन्तर दुई बच्चाको बिचमा दुई वर्षको अन्तर साधन प्रयोग गर्न अब परिवारमा गरौ गन्थन नियोजनका साधनहरू निशुल्क नि पाइन्छ नियोजनका साधनहरू निशुल्क नि पाइन्छ सुखी परिवारको लागि स्वास्थ्य चौकी धाइन्छ प्लास्टिक कागज फोहोरहरू बाहिर फाल्न छोडौ प्लास्टिक कागज फोहोरहरू बाहिर हम लागि तकलीफ होइ
रोले क्याम्पस नर्सिङ क्याम्पसबाट सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ, यो एकदमै उदाहरणीय काम छ र आफ्नो आधारभूत स्वास्थ्यको लागि यहाँको एक नम्बर वडाका बासिन्दाहरूलाई जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना कम भएको छन्, कसैले विद्यार्थी विद्यालय पनि जान पाएका छैनन्, भाइ बहिनीहरू जो यिनीहरूको स्वास्थ्य के अरे विद्यार्थीहरू विद्यालयमा जाने हो शिक्षा लिने हो तर पनि गइरहेका छैनन्, यो चेतना पनि कमजोर छ हाम्रो होइन। तसर्थ सम्पूर्ण कामहरू चेतनामूलक कामहरू हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी बहिनीहरूले दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरो मलाई विदितै छ, तर पनि तपाईँहरूले स्वास्थ्यलाई अझै पनि भरपुर गर्नुहोस्, हाम्रो बहिनीहरूले दिएको स्वास्थ्य चेतनालाई भरपुर सदुपयोग गर्नुहोस् भन्दै म सानो मेरो थोरै मन्तव्य सुनाउन चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू स्वच्छको वास्तवमा यो वातावरण सरसफाइ कार्यक्रम कति भयो सबसे पहिले सब बुझेबाट सबैले उठौँ सबसे पहिले कौन काम गर्दैन हिसाब पिसाब गर्छ नि हिसाब पिसाब गर्दा सबसे पहिले कति गरेको भयो पहिले हात धोएको भए बढिया छ साबुन चाहिँ हात धोएको भयो ओकर बाद कपडा सरसफाइ गरेको भयो ओकर बाद खाना पकाउँदा चाहिँ खाना पकाउँदा भैया चुला कुला पनि सरसफाइ गरेको पर्छ जस्तै राति खानामा पकाएर ओकर सरसफाइ गरेर पर्छ ओ हिसाबसे अपन दैनिक कार्यक्रम के भएको रहेछ सरसफाइ हिसाबले पर्यो यदि पता भयो यतिको अपने सब देख्ने यहाँ कार्यक्रममा सब चाय पिले यहाँ अब चाय पिके सबै बट्टा उट्टा सब जताभावी फ्याँक्दै कति हो त्यो थोरै हो त्यो बहिनी सब देख्ने मैले चाय पिकेर प्लास्टिक थैलामे सब जमा गर्छु कहिले जमा गर्छु फोहोर्नु त्यो सरसफाइ यदि हामी यहाँ कार्यक्रम गर्ने मतलब सरसफाइ राखेको चाहियो अन्त ओ हिसाबले यतिकै अपन कत्रो पैसा कमाले त्यति शरीर स्वस्थ नहोस् रोग लागेर अपने देशमा कत्रो पैसा कमाले कत्रो कुछ कहले सब पैसा कहाँ चल रोगे उपचार कहीं कहीं चल सब पैसा अपने उपभोग गर्नुस् यो नै शुभकामना दिन्छु सबैले गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र यति भन्दै आजको समय यो कार्यक्रमको fighting no fears, but still there's love.